Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agricultural Entomology. Today we are going to discuss about detection and diagnosis of insect pest. Guys, insect pest की डिटेक्शन के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मेनली उनके डैमेजिंग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम किसी पेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. किसी भी प्लांट में या किसी भी क्रॉप में जो डैमेज होता है उसको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं. वो दो ग्रुप हैं या तो लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स. दैट मीन्स जो भी प्लांट में डैमेज होते हैं वो या तो लिविंग फैक्टर्स की वजह से होते हैं या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं. लिविंग फैक्टर्स में हो सकते हैं किसी प्रकार के पैथोजेंस, वायरस, नेमेटोड्स या फिर कोई एनिमल्स जस्ट लाइक रोडेंट्स, माइट्स, इंसेक्ट्स या फिर किसी प्रकार के कोई स्नेल्स या स्लज भी हो सकते हैं. गाइस, नॉन लिविंग फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि क्रॉप को या प्लांट को डैमेज कर सकते हैं. जस्ट लाइक मैकेनिकल फैक्टर्स में आते हैं ब्रेकेज या एब्रेशन एट्सेट्रा. फिजिकल फैक्टर हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जस्ट लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइटनिंग या कुछ केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे फाइटोटॉक्सिसिटी या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं. तो इन सभी के आधार पे जो कुछ भी जो प्लांट्स में डैमेज होते हैं डैमेजिंग सिम्टम्स उनके आधार पे हम किसी पेस्ट को डिटेक्ट करते हैं. अब हम किसी भी प्लांट के प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइज इस्टेब्लिश व्हाट द नॉर्मल प्लांट वुड लुक लाइक एट द टाइम ऑफ ईयर. डिस्क्राइब द एबनॉर्मलिटी सिम्टम्स एंड साइंस. दैट मीन्स हम सबसे पहले जब किसी प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं. प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स हम प्लांट को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. हम ये देखते हैं कि नॉर्मली वो प्लांट हेल्दी कंडीशन में कैसे दिखाई देता है और अभी जो कंडीशन है अनहेल्दी कंडीशन में कैसे दिखाई देता है दे रहा है, जिससे कि हम आपस में कंपेयर कर सके. देन नेक्स्ट वन इज एग्जामिन द एंटायर प्लांट एंड इट्स कम्युनिटी. डिटरमाइन द प्राइमरी प्रॉब्लम एंड पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इनिशियल डैमेज ऑकर. हम एक प्लांट और अदर प्लांट, दैट मीन्स उसको कम्युनिटी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी में एक प्लांट अगर डैमेज है तो अगर सिंगल प्लांट डैमेज है तो उसका क्या सिम्टम्स हो सकता है और किस रीज़न से हो सकता है. अगर ज़्यादा एकदम यूनिफॉर्मली अगर डैमेज हैं तो उसके अलग रीज़न हो सकते हैं. लुक फॉर द पैटर्न वन मोर देन वन प्लांट ऑन मोर देन वन प्लांट ऑन मोर देन वन प्लांट स्पीसीज. दैट मीन्स हम पैटर्न में चेक करते हैं कि जो डैमेज है, जो जिस प्रकार के सिम्टम्स हैं वो सिंगल प्लांट पे है या फिर और भी प्लांट्स में है, या फिर एक ही प्लांट स्पीसीज में है या फिर बहुत सारे प्लांट स्पीसीज में सेम स्पीसीज में सेम सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. अगर नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न दिखाई देता है तो क्या हो सकते हैं. अगर इफ़ नॉन यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न हुआ, स्कैटर्ड डैमेज ऑन वन और ओनली अ फ्यू प्लांट स्पीसीज, इट इंडिकेटिव ऑफ लिविंग फैक्टर्स, पैथोजेंस, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा. अगर स्कैटर्ड पैटर्न में कहीं कहीं पे अधिक दो एक दो या अधिक प्लांट में अगर कहीं कहीं पे देखने को मिलता है स्कैटर्ड पैटर्न में, तो हम कह सकते हैं कि वो कोई लिविंग पैटर्न की वजह से हो सकता है, पैथोजन की वजह से या इंसेक्ट की वजह से. बट अगर यूनिफॉर्म डैमेज पैटर्न दिखाई देता है, सपोज दैट कि एक फील्ड में सब तरफ सेम जला हुआ या सेम कटा हुआ दिखाई देता है, तो वो फिजिकल फैक्टर या मैकेनिकल फैक्टर हो सकता है या फिर नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है. जस्ट लाइक अगर पानी के ड्रॉफ कंडीशन में सूखेगा तो सारे के सारे प्लांट्स एक साथ सूखेंगे. फाइटोटॉक्सिसिटी होगा तो उस एरिया के सारे प्लांट्स एक साथ, उनमें टॉक्सिक इफेक्ट होगा तो एक साथ ही ख़त्म होंगे. इस तरह से यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिल सकता है. देन नेक्स्ट वन इज डेलिनेट टाइम डेवलपमेंट ऑफ
डैमेज पैटर्न, दैट मीन्स हम डैमेज पैटर्न के डेवलपमेंट के टाइमिंग को डिटेक्ट करते हैं कि वो जो डैमेजिंग पैटर्न है वो किस टाइमिंग पे कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव स्प्रेड ऑफ द डैमेज ऑन अ प्लांट ऑन टू अदर प्लांट्स, दैट मीन्स एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे इन्फेक्टेड प्लांट में सेम पैटर्न कितने समय में, दैट मीन्स कितने समय में स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो टाइमिंग होता है इसके आधार पे हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा पेस्ट हो सकता है। देन डैमेज ऑकर्स डज नॉट स्प्रेड टू अदर प्लांट और पार्ट्स ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स, क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन डैमेज एंड अनडैमेज टिश्यू, दिस क्लूज इंडिकेट नॉन लिविंग डैमेजिंग फैक्टर्स, दैट मीन्स अगर जो डैमेजिंग पैटर्न है, जो डैमेज है या डैमेजिंग सिम्टम्स है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में बहुत अधिक समय तक भी ट्रांसफ़र नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता, तो ये क्लियर होता है कि वो नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से हो सकता है। गाइस अब हम बात करते हैं सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। जो सिम्टम्स होते हैं अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट के, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इंसेक्ट पेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। द लोकेशन ऑफ द फीडिंग डैमेज ऑन द प्लांट कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स फीडिंग एंड टाइप ऑफ डैमेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लूज टू डिटरमाइनिंग दैट द डैमेज इज़ इंसेक्ट कॉज्ड। जो डैमेजिंग लोकेशन होता है या डैमेजिंग पैटर्न होता है, फिर उसके आधार पे ये सबसे उसके आधार पे हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि लिविंग फैक्टर की वजह से डैमेज हुआ है या फिर नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से डैमेज हुआ है। तो फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिटेक्शन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट है स्टेम बोरर। तो स्टेम बोरर का सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं? स्टेम बोरर जो होते हैं इनके लार्वे स्टेम या टिलर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं बोर करके, छेद करके और इंटरनल पार्ट को फिट करने लगते हैं, जिसके जिसके रिजल्टेंस में जो अपर पार्ट है वो कट ऑफ हो जाता है पूरी तरह से, उसका मेन प्लांट से कनेक्शन कट जाता है, मेन प्लांट से वो कट ऑफ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें विल्ट सिम्टम या ड्राइज अप सिम्टम्स या फिर डेड हर्ट सिम्टम दिखाई देता है। धान या गेहूं के कंडीशन में वाइट ईयर हेड या बंची टॉप भी दिखाई देता है। इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस और पिंक स्टेम बोरर ऑफ व्हीट। देन नेक्स्ट वन इज शूट बोरर। शूट बोरर जो होते हैं वो प्लांट के टेंडर शूट में बोर करके एंटर कर जाते हैं और प्लांट शूट के इंटरनल पार्ट में फिट करने लगते हैं, जिसके रिजल्टेंस में प्लांट के जो टर्मिनल पोर्शन होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं और अधिक बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेस्टेशन होने पे जो टेंडर पार्ट्स जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं प्लांट पार्ट्स वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रिंजल शूट बोरर या फिर ओकरा शूट बोरर। नेक्स्ट वन इज डिफोलिएटर्स और स्क्रटनाइजर। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं डिफोलिएटर्स, ये प्लांट पूरे वेजिटेशन को नष्ट कर देते हैं। लार्वे फीड ऑन द लीव्स कंप्लीटली लीविंग ओनली मिड रिब, सिर्फ मिड रिब को छोड़ के पूरे पत्तियों को खा जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कैस्टर सेमलुपर, रेड हैरी कैटरपिलर, बिहार हैरी कैटरपिलर, स्नेक गार्ड सेमलुपर, एश वेबिल, टोबैको कैटरपिलर, जापानीज बीटल, ब्रिंजल बीटल एटसेट्रा। देन नेक्स्ट वन इज लीफ माइनर। लीफ माइनर ऐसे छोटे बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं जिनके लार्वे लीफ के अंदर एंटर कर जाते हैं और माइनिंग करते हैं। व्हेन द लार्वे बीइंग वेरी स्मॉल लिव इन बिटवीन द टू एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीव्स एंड फीड ऑन द फूड मटेरियल इनसाइड। ये पत्तियों के ग्रीन जो हरित लवक होते हैं उन पे फीड करते हैं, जिनके फलस्वरूप जो पत्तियां होती हैं उनमें माइनिंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं और
डिफरेंट पैटर्न्स भी दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक सिट्रस लीफ माइनर और टोमेटो लीफ माइनर। नेक्स्ट वन इज लीफ वेबर। लीफ वेबर जो होते हैं, इनके लार्वे पत्तियों को रेशों की सहायता से मोड़ते हैं। लार्वी वेब लीव्स, लीफलेट्स और मीन्स ऑफ सिल्कन थ्रेड्स एंड फीड ऑन द क्लोरोफिल कंटेंट बाय रिटेनिंग विद इन द वेब। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं केसियोनट शूट वेबर, या मैंगो लीफ वेबर, या ग्राउंड नट लीफ वेबर, या फिर कैबेज डायमंड बैक मोथ। नेक्स्ट वन इज लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर जो होते हैं, ये प्लांट्स की, इनके जो लार्वे होते हैं, प्लांट्स के पत्तियों को टिप टू बेस या लॉन्गिट्यूडनली या मार्जिन टू मार्जिन रेशों की सहायता से चिपकाते हैं, मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं और उनके अंदर रह के फिट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं राइस लीफ फोल्डर या फिर कॉटन लीफ फोल्डर। नेक्स्ट वन इज गाल मेकर्स। गाल मेकर्स जो होते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जिनकी इन्फेस्टेशन से पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में गाल्स बन जाते हैं। ये मेनली ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली सेसिडोमाइडी के मेंबर्स होते हैं, जो कि सेसिडोमाइसिन नामक केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिस वजह से गाल्स का बनना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट वन इज पोड बोरर, कैप्सूल बोरर या फिर बॉल वॉर्म्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फली वाले पौधों के फलियों में छेद कर अंदर घुस जाते हैं और इंटरनल सीड पे आक्रमण करते हैं, उनके बीजों को सीड्स को फीड करके नुकसान पहुंचाते हैं। पोड बोरर और कैप्सूल बोरर जैसे पेस्ट से किसी भी क्रॉप में लगभग 70 से 80% तक की लॉस हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्पॉटेड पोड बोरर, कैप्सूल बोरर, ऑपकेस्टर एंड जिंजली, रेड ग्राम पोड फ्लाई, टोबैको कैटरपिलर, ग्राम कैटरपिलर, पिंक बॉल वॉर्म एटसेट्रा। देन नेक्स्ट वन इज फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, उनको बोर करके फ्रूट्स के अंदर घुस जाते हैं और फ्रूट के अंदर ही रह के उन्हें खा के फीड करके नुकसान पहुंचाते हैं, जस्ट लाइक हेलिकोर्पा आर्मिजेरा, टोमेटो फ्रूट बोरर, एटेला जिंकिनेला, ओकरा फ्रूट बोरर और ब्रिंजल फ्रूट बोरर। नेक्स्ट वन इज बार्क बोरर। बार्क बोरर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट प्लांट्स के बार्क को बोर करते हैं और बार्क के अंदर ही डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, जिस वजह से जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और प्लांट्स सूख जाते हैं। एग्जाम्पल है एंड्रबेला, बार्क ईटिंग कैटरपिलर ऑफ गुआवा, या फिर बार्क ईटिंग कैटरपिलर ऑफ सिट्रस, मैंगो, जैक फ्रूट एटसेट्रा। देन नेक्स्ट वन इज ट्री बोरर। ट्री बोरर जो होते हैं, ये हार्ड वुड बोरर होते हैं, ऑर्डर कोलियोप्टेरा के इंसेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक ट्री में ट्री बोरर ऑफ मैंगो, केसियो, कोकोनट रेड पाम वीवल या कोकोनट राइनोसरस बीटल एटसेट्रा। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये हार्ड वुड पे ट्री पे बोर करते हैं और ट्री के इंटरन शूट को इंटरनली फीड करके नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से प्लांट का अपर पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन सूख जाते हैं। नेक्स्ट है रूट फीडर। रूट फीडर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लांट्स के रूट को फीड करके नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्ब नहीं कर पाते सॉइल से और मर जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इनके सिम्टम्स में हमको विल्ट सिम्टम दिखाई देता है, जो जिसको उखाड़ने से आसानी से उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सकिंग इंसेक्ट्स। सकिंग इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के टेंडर पार्ट से उन सेल सैप को शक करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को काफ़ी नुकसान होता है। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, पिक्यूल
पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, किसी प्लांट से सैप को सक करने के लिए हाईली मॉडिफाइड होता है। इसके एग्जाम्पल हैं बग्स, एफिड्स, लीफ हॉपर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इंजरी टू स्टोर्ड प्रोडक्ट। स्टोर्ड प्रोडक्ट को इंजोर करने वाले इंसेक्ट पेस्ट। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि स्टोरेज ग्रेन को या स्टोरेज प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जस्ट लाइक खपरा बीटल या ग्रेन वेविल या फिर साइटोफिलस ओराइजी एटसेट्रा। ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये ग्रेन को स्टोर्ड कंडीशन में धान चावल को, गेहूं को या अन्य अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड इंजरी बाय अदर मेथड्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कई माध्यमों से उनको फीड, पौधों को फीड नहीं करते बल्कि अलग अलग माध्यमों से नुकसान पहुंचाते हैं, जस्ट लाइक इंजरी बाय एग लेइंग। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एग लेइंग के लिए प्लांट्स को इंजर करते हैं, जस्ट लाइक ग्रेप वाइन स्टेम गर्डलर। जो स्टेम गर्डलर, जितने भी स्टेम गर्डलर इंसेक्ट्स होते हैं ये स्टेम को गर्डलिंग करते हैं और गर्डल के बीच में अपने अंडे छोड़ते हैं। दूसरा है यूज़ ऑफ प्लांट पार्ट्स फॉर मेकिंग नेस्ट। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने घोंसले बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए पत्तियों को काटते हैं, जस्ट लाइक लीफ कटर बी। एंड द लास्ट वन इज़ कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं जो वेक्टर होते हैं वायरल डिसीजेस के, जस्ट लाइक एफिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई। मेनली वाइट फ्लाई जो है वो येलो मोजेक वायरस के वेक्टर होते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।